वी द पीपल सबका है। जब ये बात कही जाती है कि वी द पीपल का कोई लीडर नहीं है, तो आप लोग किसी आदेश का इंतजार ना करें। आपको कोई आदेश देने वाला नहीं है, ना ही कोई देने आने वाला है, क्योंकि अब व्यक्तिवाद नहीं चल सकता। अब भारत में जो समण समाज है वो व्यक्ति को लीडर नहीं मानता, और व्यक्ति को लीडर मानने का जो रचना, जो परिकल्पना, जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो खत्म हो चुका है। यानी अब कोई व्यक्ति यहां लीडर नहीं बन सकता। अब यहां जो लीडरशिप होगी वो कलेक्टिव होगी, तो हर व्यक्ति को लीडर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो वी द पीपल है, क्योंकि वो संवैधानिक देश में रहता है, संविधान के दायरे में रहता है, और संविधान को अपना नेता मानता है, और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है और मर रहा है। तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान तब बचेगा जब आप इकट्ठे हो जाएंगे। दरअसल संविधान की जो शक्ति है वो लोगों से है। अगर लोग इकट्ठे होकर कहेंगे कि संविधान जिंदाबाद है, तो संविधान जिंदाबाद है। और अलग अलग बैठे रहे लोग और सारे अलग अलग कहते रहे कि संविधान बचना है, तो संविधान नहीं बचता, क्योंकि इकट्ठे होने से संविधान की चीजें लागू होती हैं। तो संविधान पावरफुल नहीं है, लोग पावरफुल हैं। लोग इकट्ठे होंगे तो संविधान पावरफुल हो जाएगा। तो ये जो वी का लोगो है, ये लोगों को लगाना चाहिए, जिससे कि लोग अपने डीपी में, अपने घर पे, अपने कार में, अपने मोहल्ले में, अपने दफ्तर में जब ये वी लगाएंगे, तो वी से ये बात आएगा कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के साथ हैं, और हम समण संघ के मेंबर हैं, हम समण संघ के साथ हैं। इससे एक यूनिटी बनेगी और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ना कोई पैसा खर्च होना है, ना ही कहीं जाना है, नहीं आना है, सिर्फ एक सूत्र में बंधना है, एक धागे में बंधना है, वो धागा है वी, यानी हम। तो वी का लोगो लगाते ही आप समण हो जाते हैं। फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो आपसे पता कर लेगा, मिल लेगा, आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, और वी एक बड़ी फैमिली बन जाएगी पूरे भारत में, जिसमें 110 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे सिर्फ WE लगाते ही, यानी वी लगाते ही। या इसको हिंदी में कहें तो हम लगा सकते हैं, या अगर मराठी में कहें तो हम ही लगा सकते हैं, या पंजाबी में कहें तो असी लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही आप वी लगाएंगे, और वी का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है जो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं और दे रहा हूं, तो ये वी आप लगाना शुरू करेंगे तो आप जुड़ते चले जाएंगे। इसमें किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। वी द पीपल किसी से पैसा नहीं मांगता। अगर कोई वी द पीपल के नाम पे पैसा मांगता है तो वो झूठा आदमी है। वी द पीपल में पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। वी द पीपल में हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप मीटिंग्स लगा सकते हैं वी द पीपल में, वी द पीपल की बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हम समण संघ हैं और समण संघ के साथ हैं। तो आपको सिर्फ इकट्ठा ही तो होना है। तो इकट्ठा होने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता तो नहीं है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो ऑर्गेनाइज होने का मतलब है संघ में रहो। दरअसल ऑर्गेनाइज जो शब्द है, वो जो इंग्लिश का शब्द है, उसका मतलब ही संघ होता है। संगठन का मतलब होता है जब दो चीजें संघ में आती हैं तो आवाज निकलता है टन, यानी जब जुड़ती है तो टन की आवाज आती है, तो संघ टन बोलते हैं, उसे संगठन बनता है। तो संगठन हमारा शब्द नहीं है, संघ हमारा शब्द है। तो संघ में सभी लोगों को आना है, और सभी लोग ऑलरेडी हैं। जब सभी लोग ऑलरेडी हैं तो उनको सिर्फ ये कहना है कि हम संघ के अंदर हैं और वी हमारा सिंबल है, तो लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो व्यापारी लोग व्यापारी से जुड़ जाएंगे, जो कामकाज लोग हैं काम पर जुड़ जाएंगे, जो घर गृहस्थी की महिलाएं हैं वो उनसे जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उनको ये पता चलेगा कि ये अपने समण संघ का व्यक्ति है। इससे ताकत बनेगी, ताकत बनेगी तो संविधान में जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे आपका वहां MP हो या ना हो, चाहे आपका मिनिस्टर हो या ना हो, चाहे आपका वहां प्रधानमंत्री हो ना हो, संख्या अगर आपकी है तो वो सब आपके लिए काम करेंगे। एक तो ये छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। दूसरा, इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लगातार बातचीत होनी चाहिए, कि जो संगठन जो बने हैं, जो ग्रुप बने हैं, उनका अब फायदा नहीं है। उनका फायदा जितना जन जागृति में होना था वो हो लिया, अब तो नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान रोकने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए, और संघ से बात करने के लिए संघ होना चाहिए, संगठन से बात करने के लिए संगठन होना चाहिए, व्यक्ति से बात करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए। तो देखना चाहिए कि आप बात कैसे करना चाहते हैं, तो उसी तरह से बात करनी चाहिए। फिर जो संघ की परिकल्पना है, जो बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले थी, वो पहले से सफल है भारत में, क्योंकि भारत में लोग उसी में ढले हुए हैं। तो उसको देखते हुए ये जानना चाहिए कि एक बार इसको आजमाना चाहिए, एक बार आजमा के देखना चाहिए ये पहले भी सफल थी या अभी भी सफल होगी। इसलिए उनको ये छोटे छोटे काम करने चाहिए और ढूंढते रहना चाहिए कि वी वाले लोग कहां पर हैं, कहां बात कर रहे हैं, कहां चीत कर रहे हैं। और संविधान इसके नियम है, कोई आदमी अगर अपने नियम बनाता है वी द पीपल के नाम से, तो वो वी द पीपल नहीं है, फिर तो वो आई द पीपल है। क्योंकि तो अपने नियम बनाएगा, मैं के नियम बनाएगा, अहम के नियम बनाएगा, माई के नियम बनाएगा, तो आई हो जाएगा।
और संविधान में वी के नियम है, हम के नियम है, हम भारत के लोग के नियम है, तो हम भारत के लोग तो हम सब हैं, आप सब हैं, सारे जितने समर्थ संघ हैं वो सारे हैं, तो वो सारे लोग आपस में जुड़ने के लिए बहुत पहले से तैयार बैठे हुए और बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। आप अगर एक कार्यक्रम यहां स्टार्ट कर देते हैं विदा पीपल के नाम से, तो आप देखिए कि कितनी तेजी से चमत्कार होगा। सारे लोग जानते हैं कि हम पुराने समण संघी हैं, समण संघी हैं, इसीलिए हम आज तक जीवित हैं, सिर्फ हमको इकट्ठा होना है, सब कष्ट और सब दुख दूर हो जाएंगे, सारे तालों की चाबी इकट्ठा होना है। जो व्यक्ति ये कहता है कि सारे तालों की चाबी राजनीति है, वो बेवकूफ है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का दुश्मन है, वो बुद्ध का दुश्मन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और राजनीति करो। कब ये कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और प्रबुद्ध बनो। वो चीजें सब संघ में आती हैं, सब संगठित होने में आती हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग स्पेसिफाई करके नहीं कहा। उन्होंने कहा सारे काम करने हैं, संगठित होना है पहला काम करना है, शिक्षित होना है पहला काम करना है, और एजिटेट करना है, संघर्ष करना है संविधान के अनुसार, यानी कि अपनी संख्या बढ़ानी है संविधान के अनुसार, पहला काम है। इसलिए तीन बातें कही हैं, उन तीन बातों में चौथी बात नहीं है। अगर राजनीति बहुत जरूरी होती तो वो कह के जाते कि राजनीति करो, अगर प्रबुद्ध होना बहुत जरूरी होता तो कह जाते कि प्रबुद्ध बनो, अगर बिजनेस करना बहुत जरूरी होता तो कह के जाते कि बिजनेस करो। तो इसलिए उन्होंने वो बातें उसमें समाहित की हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि संगठित रहो। जो संगठित हो जाते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं, जैसे 2 करोड़ लोग संगठित हैं भारत में जिनको सिख बोलते हैं, उन पर कोई अत्याचार नहीं होता। कनाडा में अगर किसी सिख के साथ में कोई पगड़ी उतारता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, सारा पंजाब खड़ा हो जाता है कि पगड़ी की बेइज्जती कैसे हुई है या कैसे किया। इसलिए जब 110 करोड़ लोग एक साथ हो जाएंगे तो कहीं अगर उनका एक धागा भी कोई खोलने की कोशिश करेगा तो पूरी दुनिया में आवाज जाएगी कि समण संघ के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो पहले तो किसी की बात हिम्मत ही नहीं होगी, और अगर हिम्मत भी होगी तो बहुत पछताएगा। इसलिए सबको वी लगाना चाहिए, वी के ही अनुसार हम जीतेंगे। जो लोग धमका काम करते हैं या प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं या जिन्होंने धमकी संस्थाएं बना रखी हैं या बुद्धिघर बना रखे हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को धम में लाना है, तो वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति से परिवर्तन करेंगे, कल्चर से नहीं करेंगे, संस्कृति से नहीं करेंगे, सीधे सीधे राजनीति से करेंगे, वो लोग भी जब राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं इकट्ठे हो जाओ हमको वोट दो। जो सरकारी कर्मचारी संगठन है वो भी कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, सरकार से अपने संसाधनों को बचाओ, अपनी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी दफ्तर हैं उनको बचाओ, तो वो भी कहते हैं इकट्ठे हो जाओ। जो लड़के दलबल बना के बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि सबको इकट्ठा होना है, सबको इकट्ठा होना है, सब इकट्ठे होकर आ जाओ। जो आर्थिक क्षेत्र में जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ ताकि हमारा मार्केट हमारे पास रहे, हमारा बाजार हमारे पास रहे, हमारी दुकानें हमारे पास आ जाएं। तो इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि सब चाहते हैं इकट्ठे हो जाओ, पर गलती ये हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी बाल्टी लेके कुएं की तरफ भाग रहे हैं, और कुएं में एक बाल्टी पानी है तो कुएं में उन्होंने सबने अपनी बाल्टी डाल दी और वो सब उसमें से पानी खींचना चाहते हैं। जब कुएं में एक बाल्टी पानी है और बाल्टी वहां पे 4 पड़ गई है तो एक बाल्टी पानी तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो समझदारी इसी में है कि अगर 4 लोग उसमें आ गए हैं और चारों लोग अपनी अपनी बाल्टी से, मान लो जो 25-25% जो चौथाई चौथाई उन्होंने बाल्टी भरी है, उसको पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लें तो एक बाल्टी हो जाएगी, और फिर उस बाल्टी को उठा के ले जाएं और फिर सब उसमें से इस्तेमाल कर लें। तो क्या करना है, मान लो बाल्टी का जो रंग है पानी का वो मीठा करना है आपने, तो उसमें चीनी डाल दो तो सारा मीठा हो जाएगा, तो सबको मिल जाएगा। अब जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मीठा पानी सारे पी सकते हैं। तो मान लो धम के लोग हैं तो वो कहेंगे हमें धम का काम करना है, तो धम का करो, तो पूरी बाल्टी तैयार है आपके लिए, भरी हुई है, मीठी है, तो सब लोग कहेंगे करो भी धम का काम, हम सब साथ हैं। तो उनको अलग अलग इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग बाल्टी नहीं खींचनी पड़ेगी। उनको राजनीति करनी है तो वे राजनीति कर लो, तो बाकी धम के लोग उनके साथ हैं, लड़के भी उनके साथ हैं, सरकारी कर्मचारी उनके साथ हैं, कर लो भी राजनीति, बना लो एक पार्टी या सबकी मिलकर एक पार्टी बना लो, जीत जाओ, करो उद्धार। या लड़के कहते हैं कि उनकी समस्या है, नौकरी वगैरह चाहिए उनको, तो ठीक है भाई हम सब साथ हैं, चलो लगाओ पार्लियामेंट में अपना बिल लगाओ और वहां से अपने लिए रोजगार के लिए काम ले लो, तो काम बन जाएगा। या व्यापार करना है, व्यापारी तो कहते हैं सारे लोग आपके साथ हैं, बाजार आपके साथ है, पूरी बाल्टी भरी हुई है। तो ये जो बेवकूफी हो रही है कि हर आदमी अपनी बाल्टी लेके कुएं में जा रहा है, जब ये 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और 100 करोड़ लोग सारे सारे समण समाज के हैं और एक साथ हैं, अगर ये पहले इकट्ठे हो जाएंगे तो इन 100 करोड़ लोगों को या 110 करोड़ लोग हैं, इनको कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी खड़ा कर दो, जिस काम में आप लगाओगे वो काम अपने आप हो जाएगा।
इतनी सी बात है, इतनी सी समझ होनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, पहले पार्टी बनाते हैं फिर इकट्ठा करने जाते हैं। पहले धमके ठेकेदार बनेंगे, पहले धमका कुछ बनाएंगे तब वो धमके लोगों को इकट्ठा करने जाएंगे। पहले दलबल बनाएंगे फिर वो इकट्ठा करने जाएंगे। पहले सरकारी कर्मचारी नेता बनेगा फिर वो इकट्ठा करने जाएगा। अरे भाई पहले इकट्ठा करो ना और फिर बाद में कुछ बनो, और या जो इकट्ठे लोग हैं वो अपने आप बना देंगे आपको जो बनना होगा, तब बात बनेगी, तब काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बन सकता। वरना सब अपनी अपनी बाल्टी लेके घूमते रहो, कुएं में तो एक ही बाल्टी पानी है, किस किस को मिलेगा वो टुकड़ों में बटा रहेगा। 6743 बाल्टी उसमें डालोगे, एक लीटर एक बाल्टी पानी है तो आप सोचोगे दो दो बूंद हिस्से में आएंगी, बल्कि दो बूंद भी हिस्से में नहीं आएंगी, आधा आधा बूंद हिस्से में आएगी, उससे किसी का काम नहीं बनने वाला। फिर तो जिसके पास ग्लास भर के पानी होगा वही राजा होगा, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए बाल्टी भर के एक साथ चलना है तब जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। धन्यवाद।